तो हेलो भाई, मैं हिमांशु यादव। स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। कैसे हो भाई? आई होप सब अच्छे हो गए, अपने घरों में सेफ हो गए। तो भाई काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, तो यार उसके लिए सॉरी। आज लेके आ गए हैं पर आपके लिए एक नई वीडियो स्विफ्ट की। दिखने से तो ये सामने से बेसिक लग रही होगी कि प्रोजेक्टर वगैरह नहीं है, पर ये ऑटोमेटिक वेरियंट है। तो आज ऑटोमेटिक गाड़ी का हम रिव्यू देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो नीचे तो ऐसा कुछ आपको अंदर इसके वो घूमते दिख जाएंगे। तो चलो फ्रंट से ही स्टार्ट कर देते हैं भाई। तो भाई फ्रंट से गाड़ी बिल्कुल बेसिक है, जैसे बेस मॉडल वाली है, पर ये बेसिक ऊपर वाला जो आता है वो वाला वेरिएंट है। तो इसमें देखो कि इसमें आगे आपको कोई भी प्रोजेक्टर वगैरह नहीं मिलेगा। लाइट्स भी हैं जो वो हैलोजन मिलेंगी, नीचे आपको फॉग लैम्प भी नहीं मिलता, और बीच में आपको स्विफ्ट का लोगो दिख जाएगा। ड्यूल टोन हॉर्न आ जाते हैं इसमें। नीचे यहाँ पर आपको नंबर प्लेट दिख जाएगी। यहाँ पर टोचन करने के लिए हुक वगैरह लगा सकते हैं। स्टार्ट है गाड़ी तो अभी, इसलिए आवाज़ आ रही है ऐसी। और इधर जो इसके टायर हैं वो भी बिल्कुल मतलब सिंपल हैं। इनके साइज़ की बात करें तो 165/80R14 14 इंच के टायर आते हैं। लोग इसमें मॉडिफाई करा के 16, 17, 18 इतने तक भी लगा सकते हैं। पीछे भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है पूरा सेम। बैक साइड से बात करें तो इसकी जो लाइट्स हैं वो काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब पीछे की लाइट LED आ जाती है, वो टॉप मॉडल जैसी फील देती है। यहाँ से देखो ये ऐसे LED आ गई, इधर भी LED आ गई। तो पीछे कोई भी क्रोम वगैरह का यूज़ नहीं है, सिंपल गाड़ी बेस्ट है बिना क्रोम के। यहाँ पे रियर कैमरा है, आफ्टर मार्केट लगवाया है। यहाँ से इसका बूट वगैरह खोल सकते हैं, एक बार अनलॉक करनी पड़ेगी कार। तो की निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये खोला इसे, ये यहाँ बटन दबाया, ये खुल गई। तो बूट भी काफ़ी अच्छा खासा है, वन टच है। एक बार ऊपर कर दो मतलब थोड़ा सा, फिर अपने आप ऊपर चला जाता है। जो भी बूट स्पेस है वो इसका लिखा आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। कर देते हैं इसे बंद। अब चलते हैं एक बार गाड़ी की थोड़ी सी रियर की बात करें तो इधर से ना इसका डोर खोलने का इधर दे रखा है ऐसे, देखो कोई भी मतलब ऐसे नहीं है। तो इसे खोलते हैं और चलते हैं एक बार अंदर। चारों पावर विंडो मिल जाएंगे आपको और स्पीकर्स भी कार के काफ़ी अच्छे हैं। तो भाई रियर सीट्स पे मैं आ गया। कंफर्टेबल है भाई, जो मतलब इसकी सीट्स है ना वैसे तो कंफर्टेबल है। हेडरेस्ट भी चार आते हैं कार में, पर इसके जो सीट कवर है ना वो मतलब फैब्रिक वाले हैं, कोई लेदर वगैरह का यूज़ कंपनी ने नहीं कराया यहाँ पे। ये यहाँ के ये जो रहते हैं वो लोग हटा देते हैं, पता नहीं उसका क्या लॉजिक है। और ऐसे कुछ आगे आपको पूरा दिख जाता है। स्टीरियो वगैरह की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये ऑटोमेटिक। ये यहाँ पे इसका लॉक करने का ग्रैब हैंडल यहाँ पे दे रखे हैं, पर कोई भी हुक वगैरह यहाँ नहीं है। हैंगिंग स्टोरेज डोर पे आपको ज़रूर यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाएगा। तो चलते हैं अब एक बार कार के फ्रंट पे थोड़ी सी बात करें। तो भाई ये खोला गेट हमने, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये जो सीट है वो अपनी अप डाउन हो सकती है। तो ये देखो यहाँ से ऐसे डाउन अप हो गई, ऊपर आगे पीछे तो वो हर कार्स में हो ही जाता है। एक बार अंदर चल के बैठ के बात करते हैं इसकी, ज़रा स्टार्ट करें कार को। तो स्टार्ट करने के लिए आपको पहले ब्रेक पैडल पुश करना पड़ेगा, उसके बाद ही स्टार्ट होगी। ये देखो हो गई। तो अभी पार्किंग पे न्यूट्रल है तो इसमें चलेगी नहीं आगे। स्टेयरिंग पे यहाँ पे आपको बहुत सारे बीच में देखो दिख जाएंगे, वो सब हम टॉप मॉडल वगैरह में ऑन भी करवा सकते हैं। देखो बटन्स आ रहे होंगे बहुत सारे। ऐसा कुछ इसका मीटर मिल जाता है, 8000 तक मार्किंग है। पेट्रोल इंजन है। इंजन स्पेसिफिकेशन सारी आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। ये यहाँ इसके AC वेंट्स वगैरह सारे, डबल इंडिकेटर वगैरह, ब्लूटूथ का सारा सिस्टम। ये है इसका गियर नॉब भाई, बड़ा अच्छा है दिखने में, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। ये देखो ये इधर करा, ये ड्राइव और यहाँ पे एम पे, मतलब ऐसे मैनुअल भी ड्राइव कर सकते हो। वो इसकी वीडियो अलग आएगी एक ड्राइव एक्सपीरियंस वगैरह की पूरी। तो और ये देखो ये यूनिट इसकी आफ्टर मार्केट लगवा रखी है, जिससे अगर हम रिवर्स में करें इसे तो ये ऑन हो जाती है। ये देखो। और भाई ये ऐसा कुछ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जिसमें सारा कुछ है, ब्लूटूथ वगैरह, ऑक्स, USB, DVD वगैरह सब। ये चैनल का नाम, इधर लॉक अनलॉक, और यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ी सी हल्की सी मतलब ऐसे कार्बन का सा डिज़ाइन आ रहा है। ये रहा यहाँ पे रियर व्यू मिरर, लाइट आपकी ये LED आफ्टर मार्केट करवाई है, हैलोजन आती हैं। यहाँ से साइड व्यू, साइड मिरर का भी व्यू अच्छा खासा है। क्रूज़ कंट्रोल की भी ऑप्शन है इसमें, अगर हम चाहें तो आफ्टर मार्केट इसमें ऑन करवा सकते हैं, वो तो हर कार्स में ही रहता है। इसका बोनट खोल के और दिखाता हूँ मैं आपको।
ये देखो भाई, ये है इसका पेट्रोल इंजन, जो भी इसकी वो आ रही है वो सारी आपकी स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं ऊपर। अच्छी खासी आवाज़ कर देता है, मतलब सही है, अच्छा भी है। अपना ड्राइवर को पीस ऑफ माइंड रहता है गाड़ी चलाते वक्त, कोई भी मतलब ऐसे नहीं सिटी में चला रहे हो तो बार बार गियर बदलने पड़े, ये सब करना पड़े। तो भाई ओवरऑल कार ना बहुत अच्छी है, मतलब रिव्यू तो इसका एक वही था, अच्छी कार है भाई। थोड़ा सा यहाँ डैशबोर्ड वगैरह देख लो, यहाँ अंदर आपको ऐसा कुछ सामान रखने का मिल जाएगा, कोई भी कूल्ड वगैरह नहीं है। यहाँ USB ऑक्स का 12 वोल्ट और 120 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे दो कप होल्डर, AC आपका मैनुअल है, कोई भी ऑटोमेटिक नहीं है। कार में 220 तक मार्किंग है, 100-120 तक बड़े प्यार से चलती है कार, और ज़्यादा तेज़ चलानी भी नहीं चाहिए। इंडियन रोड्स पे स्पीड 120 की लिमिट है। यहाँ पे वैनिटी मिरर है बिना लाइट के साथ, इधर कोई भी वैनिटी मिरर का यूज़ नहीं किया गया है। विंडोज़ जो हैं आपकी वो यहाँ से आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, क्लोज वगैरह का यहाँ पे कोई भी स्विच नहीं है। तो ड्राइवर साइड आपको ऑटो मिल जाएगा, ये देखो, इसको थोड़ा 2 सेकंड तक करके रखना पड़ता है। हाँ, ये डाउन है, ये वन टच अप नहीं है, डाउन है वन टच, ये देखो, कोई भी वन टच डाउन नहीं है ये। और डोर भी इसका काफ़ी मतलब अच्छा वाइड खुल जाता है पूरा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अपना ये सब देख लो आप, ऐसे कर सकते हो सारा कुछ है। अब इसका थोड़ा सा ना ड्राइव एक्सपीरियंस देते हैं आपको कि ये ड्राइविंग करने में कैसी है। तो हाँ, पहले इसका गियर का समझ लो, आपको ब्रेक दबा के इधर करके तो रिवर्स लगेगा, ये न्यूट्रल हो गई, यहाँ पे आपको ड्राइव पे आ गए, और उसके बाद ये अपनी इधर कर दी तो ये मैनुअल पे आ गई, मतलब इसको आप इधर करोगे तो ये गियर प्लस होते जाएंगे और अपना फिफ्थ गियर तक पहुंच जाएगा पूरा। देखो यहाँ पर सेकंड तक ही जा रही है, अभी सेकंड पे भी ये उठ जाएगी, ये देखो उठ गई फर्स्ट, और इसको कर दिया इधर तो ये ड्राइव पे आ गई। अपना बस ब्रेक पैडल से पैर हटा लो, अपने आप चलने लगेगी गाड़ी, जैसे हाफ क्लिच छोड़ के चल जाती है मैनुअल कार वैसे। तो चलाओ, चलाते हैं इसे थोड़ा। गियर का तो है भाई, 2 तक ही पुश करेगी कार, अगर आपने मान लो हार्ड एक्सलेट भी कर दिया तो ये 3000 पे बदल लेगी गियर। ऐसा कुछ हॉर्न मिल जाता है इसका, ड्यूअल टोन। यहां से इसे टर्न लेते हैं एक बार भाई, मजा तो आ रहा है कार में चलाने में, कोई भी मतलब अपना ऐसा लग रहा है कि बस एक्सलेट ही करते रहो, कुछ और करो ही मत, अपनी मस्त चल रही है बिल्कुल, फुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। और ओनर भी इसके हमारे साथ जुड़ेंगे बाद में नेक्स्ट वाली वीडियो में जो आएगी, फुल ड्राइव करके दिखाएंगे इसे रोड्स वगैरह पे बाहर की ये मतलब काम की चीज़ है या नहीं, तो उसके लिए भी जुड़े रहना हमारे साथ चैनल पे। तो भाई ये वीडियो आज की हमारी इतनी थी, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपका धन्यवाद।